रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेखा शुरू से ही अपने पति के जाने के बाद काली साड़ी पहनती थी। आज तक कभी भी किसी ने रेखा को काली साड़ी पहनने के लिए नहीं रोका था और ना ही कुछ कहा था। रेखा अपने बेटे प्रतीक के साथ बहुत खुशी खुशी रह रही थी। ऐसे ही एक दिन रेखा सुबह सुबह अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी प्रतीक ऑफिस के लिए तैयार होकर जल्दी से आता है और अपनी माँ रेखा से कहता है, माँ मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, खाना फिर कभी खा लूंगा, अभी चलता हूँ मैं। अरे लेट तो रोज ही होता है, अभी चुपचाप से यहाँ बैठ और खाना खाकर ही जा। सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत से खाना बनाओ, तू है ये खाना खाने से मना कर रहा है, बैठ यहीं तू। माँ लेट हो रहा हूँ मैं बहुत, ऑफिस में लेट गया ना तो सर भी आज मुझे अच्छे से सुनाएंगे, मैं शाम को आकर कुछ खा लूंगा, आप रहने दो ना माँ। बाहर से खाएगा नलायक, तेरा पेट ठीक नहीं चल रहा है इतने दिनों से, और तू है कि बाहर का ही खाना खाएगा। खाना बन चुका है, रुक जा मैं पैक कर देती हूँ, साथ लेकर जा। माँ मेरी एक दोस्त है, वो मेरे लिए खाना ले आएगी, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा कौन है वो लड़की, जरा मुझे भी तो बता, कोई खास है क्या, कभी घर पर भी लिया? माँ खास नहीं, बहुत खास है वो मेरे लिए, लेकिन मैं उसे घर पे नहीं ला सकता हूँ। जब खास है तेरे लिए तो घर पर क्यों नहीं ला सकता है, उसके लिए तो खास नहीं है क्या? माँ वो लड़की बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसका ना जुबान पर कोई काबू नहीं है, कभी मैं उसे घर लेके आऊँ और वो कुछ बोल दे तो ये आपको भी पसंद नहीं आएगा और मुझे भी पसंद नहीं आएगा। बेटा अगर तू उसे पसंद करता है तो उसके हर कदम में तुझे उसका साथ देना है, अगर वो गलत जा रही है तो तू उसे ठीक करेगा ना, यहाँ तो तू खुद ही उसका पीछा छोड़ रहा है। और अगर तेरी पसंद की लड़की मेरे घर की बहू बनकर आएगी तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। माँ आप कितनी अच्छी हो, पापा के जाने के बाद आपने मुझे संभाला, घर संभाला, सच में मुझे कभी कभी बहुत ही खुशी होती है कि मैं आपका बेटा हूँ। प्रतीक अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड नीता से अपनी माँ को मिलवा देता है। रेखा को अपनी होने वाली बहू बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो अपनी बहू की हमेशा ही तारीफ करती रहती है। कुछ दिनों बाद प्रतीक और नीता की कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाती है। शादी के बाद नीता एक दिन रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहाँ उसकी सास आती है और कहती है, बहू घर में नींबू है ना, वो क्या है ना मुझे कुछ काम था। माँ जी नींबू तो नहीं, लेकिन आपको नींबू से क्या काम है? अरे बहू था कुछ काम, अब हर बात तुझे बताना जरूरी है या तुझसे पूछकर ही करूँगी कोई काम? नहीं माँ जी, मैंने कब बोला आप मुझसे पूछकर ही काम करो, माफ कीजिएगा माँ जी, मैं तो बस पूछ ही रही थी, मुझे नहीं पता था आपको इतना ज्यादा बुरा लग जाएगा। बहू इसमें माफ़ी मांगने वाली तो कोई बात ही नहीं है, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे, आप ये बताइए खाना क्या बनाना है, मैं आपके मन पसंद का ही खाना बनाऊंगी। चल अच्छी बात है, आज तो तू अपनी सास के लिए खाना बना रही है। काली साड़ी पहनने वाली विधवा सास के मन की ही कर लेती हूँ, क्या पता सच में जादू टोना जानती हो, तब तो मेरे लिए ही परेशानी हो जाएगी। नीता अपनी सास से काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसी शाम जब प्रतीक ऑफिस से घर वापस आता है तो नीता प्रतीक को कमरे में लेकर जाती है और प्रतीक से कहती है, प्रतीक क्या एक बात कहूँ अगर आप बुरा ना माने तो? अरे नहीं नहीं बोलो, क्या बोलना है, मैं क्यों तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा, बल्कि मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि तुम अपने दिल की सारी बातें बेहिचक मुझे बता देती हो। वो ना मुझे आपकी माँ से बहुत डर सा लगता है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो काला जादू करती है। क्या काला जादू, अरे पागल हो क्या तुम नीता, थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो। देखा मैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताती हूँ, तुम मेरी बात समझते तो हो नहीं और अपना अलग ही मतलब निकालने लग जाते हो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ना अपनी पूरी बात तो समझाओ, तब तो मुझे कुछ समझ में आएगा। माँ जी काली साड़ी पहनती है और उनका रहन सहन भी तो अजीब सा ही लगता है, वो काला जादू करती है ऐसा मुझे लगता है। जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं ना, तब से माँ ने बस काली साड़ी ही पहनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो आज फिर माँ ने नींबू क्यों मांगा था? ये सब तो वही लोग करते हैं ना जो तंत्र विद्या जानते हो, काला जादू करते हो, मुझे तो माँ जी से बहुत ज्यादा डर लगता है। तुम खामा खाई इतना सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अभी नई आई हो ना इसलिए ऐसा बोल रही हो। भले ही मैं नई आई हूँ लेकिन कुछ ही दिनों में मैं सब अच्छे से समझ गई हूँ, आज तक मैंने विधवा सास तो बहुत देखी थी लेकिन काली साड़ी पहनने वाली विधवा सास तो आज पहली बार देखी है मैंने। मैं तुम सास बहू के बीच में नहीं आने वाला, थोड़े दिनों में ना तुम खुद समझ जाओगी। नीता के मन में अपनी सास के लिए थोड़ा अलग ही भावना आने लगती है, कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रेखा अपनी पड़ोसन सुलोचना के साथ घर में बैठकर आराम से बातें कर रही थी, तभी नीता चाय लेकर आती है और कहती है,
माँ जी, वैसे आज तक तो मैंने कहा नहीं, लेकिन अब जरूर बोलूंगी। आप ये काली साड़ी ही क्यों पहनती हैं? बहू, तेरी सास तो शुरू से ही काली साड़ी पहनती है, क्यों तुझे कोई परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी तो नहीं है, लेकिन बस काली साड़ी में रोज ही माँ जी को देखती हूँ तो अजीब सा लगता है। कभी कभी तो माँ जी से डर भी लगने लगता है। बहू, तेरी ही सास है ये, तुझे अपनी सास से ही डरने की क्या जरूरत है? आपकी बात सही है, लेकिन मैंने पहले कभी भी किसी को ऐसे रोज के रोज काली साड़ी पहनते हुए कभी नहीं देखा। माँ जी, आपको अजीब नहीं लगता क्या? आप रोज काली साड़ी पहनती हो। बहू, तेरे ससुर जी के जाने के बाद से तो मेरी जिंदगी के सारे रंग ही चले गए। रंगों में फर्क तो दूसरे लोगों के लिए है, मेरे लिए तो क्या काला और क्या पीला। अच्छा, तो ये बात है, मुझे लगा आप काला जादू जानती हो, काला जादू करती हो, तभी तो काली साड़ी में तांत्रिक की तरह रहती हो। लेकिन माँ जी। क्या बहू, तांत्रिक? अरे बहू, थोड़ा तो तू भी अकल लगा ही सकती है। तेरी विधवा सास क्या आप अपने लिए एक रंग की साड़ी भी नहीं पहन सकती? अब उसमें भी तू गलत गलत सोचने लगी। नहीं आंटी जी, मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं तो बस आज के जमाने की सोच रही हूँ, बस आज के जमाने की सोच के चल रही हूँ। अब आप ही बताओ ना, विधवा होने के बाद भी आजकल सब लोग अपने मन की ही करते हैं, फिर माँ जी ही क्यों काली साड़ी पहने? माँ जी को भी तो पूरा हक है ना अपने मन पसंद रंगों को चुनने का। बहू, ये मैंने किसी के दबाव में आकर काला रंग पसंद नहीं किया, बल्कि मुझे इसी रंग की साड़ी में खुशी मिलती है। जिसकी जिंदगी से ही रंग जा चुका है वो कपड़ों में क्या रंग भरेगा। लेकिन माँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तो मैं भी सही बोल रही हूँ ना, आपको काले रंग के अलावा और भी रंग की साड़ी पहननी चाहिए। बहू, हमारे समय में विधवा औरतें ना काली साड़ी पहना करती थी, इसलिए मुझे काली साड़ी में जरा भी अजीब नहीं लगता है। अब अगर मैं तेरे बोलने पर किसी और रंग की साड़ी पहनूं तो मुझे अजीब लगेगा। माँ जी का तो मन ही उठ गया है इन सब चीजों से, मुझे माँ जी के लिए कुछ करना चाहिए। नीता को अपनी सास की बात समझ आ जाती है और अब वो अपनी सास के लिए कुछ अच्छा करने की सोचती है। कुछ दिनों बाद रेखा के पति की बरसी का दिन आता है, तो नीता अपनी सास के लिए एक बहुत ही अच्छी साड़ी लेकर आती है और अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी, ये साड़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आज ससुर जी की बरसी है ना, इसलिए। बहू, तेरे ससुर जी की बरसी है और तू ये चाहती है कि आज के दिन मैं ये साड़ी पहनूं? माँ जी, आप अब तक इसलिए नहीं पहन रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब एक बार आप ससुर जी के बारे में भी तो सोच कर देखिए ना, वो जहाँ भी होंगे आपको ऐसे रंगीन कपड़ों में देखकर उन्हें कितना अच्छा लगेगा। बहू तो सही बोल रही है, अब तक मैंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, क्या पता ये साड़ी पहनने से उन्हें सच में खुशी मिले। रेखा अपनी बहू की बात मान लेती है और उसकी लाई हुई साड़ी पहन लेती है। आशिका रोज अपनी सास कमला से खरी खोटी सुनते हुए भी उसका हर आदेश और हुक्म मानती थी। यहाँ तक के गुस्से में कमला ने आशिका पर कई बार हाथ तक उठाया था, बावजूद इसके वो अपनी आवाज को भी कभी ऊंचा नहीं करती थी। ऐसे ही एक शाम कमला की पड़ोसन निर्मला उसके घर आती है और दोनों बैठकर बातें कर रही होती है, तभी आशिका चाय लेकर वहाँ आती है और कप देते हुए उसके हाथ से चाय निर्मला के ऊपर गिर जाती है, जिस पर कमला उसको उसी वक्त एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, हाथों में जान नहीं है तेरे? अरे गरम गरम चाय मेरी सहेली के ऊपर गिरा दी, इसलिए लाए हैं क्या तुझे इतना पैसा फूंक कर? माँ जी माफ कर दीजिए, गलती से हो गया, मेरे हाथों में छाले हो रखे हैं, इसलिए गरम कप पकड़ा नहीं गया। आज तेरे पूरे शरीर पर छाले नहीं किए ना, तो मेरा नाम भी कमला नहीं। कमला आशिका को एक और थप्पड़ मारने जा ही रही थी कि निर्मला उसे रोकते हुए कहती है, बस कर कमला, उसने कहा तो कि गलती से हो गया। अरे ये तेरी बहू है, कोई खरीदी हुई चीज या गुलाम नहीं जो तू इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। निर्मला, तू मुझे मत सिखा किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, और ये इसी लायक है, अपनी कीमत और औकात भूल जाती है, इसलिए बार बार इसको याद दिलाना पड़ता है। अब जा जाकर दूसरी चाय लेकर आ। रहने दे बहू, वैसे भी मैं अब जा रही हूँ। निर्मला वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद भी कमला आशिका को खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को गौरव काम से घर आता है और आते ही आशिका को बुलाकर उसे बोलता है, ए खड़ी क्या है, चल मेरे जूते उतार और उसके बाद एक बढ़िया सी चाय बना कर ला। आशिका गौरव के जूते उतार कर उसके लिए चाय बना कर लाती है और चाय देने के बाद वो रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी,
सास और पति की मार खाकर भी वो चुप रहती। कुछ समय बाद उसकी ननद मानसी दूसरे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौट आती है और वो सबसे मिलजुल कर बहुत खुश होती है। अपनी बेटी के आने पर कमला आशिका को बोलती है, खड़ी खड़ी मेरी बेटी को नजर क्या लगा रही है, जा जाकर उसके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर। जी माँ जी। अरे माँ, बना लेंगी भाभी बाद में चाय नाश्ता, अभी मैं आई हूँ, मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। कोई बात करने की जरूरत नहीं है इससे, इसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत भी नहीं है। और तू अभी तक यहीं खड़ी है, जाकर जो बोला है वो कर। आशिका रसोई में चली जाती है और मानसी को अपनी माँ का ये बर्ताव बिल्कुल रास नहीं आता। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ आशिका मानसी की बहुत केयर करती है और उसको समय समय पर जूस देती, उससे बातें करती। कमला मानसी और आशिका की बढ़ती नजदीकियां देखकर गुस्से में एक दिन आशिका को उसके कमरे में जाकर तमाचा लगाते हुए बोलती है, अपनी औकात भूल गई क्या जो मेरी बेटी के करीब जाने की कोशिश कर रही है? तेरी सौदे की जिंदगी में कोई रिश्ता तेरा अपना नहीं है, तू बस इस घर में खरीदी हुई चीज से ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझी? इसलिए अपनी हदें पार मत कर। माफ कर दीजिए माँ जी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये माँ जी शब्द लोगों के सामने बोला कर बस, असल में तेरा मेरा रिश्ता एक मालिक और गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। आशिका और कमला की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी मानसी छुप कर सुन लेती है और वो अपनी माँ के कमरे से निकलने के बाद आशिका के पास आकर बोलती है, भाभी माँ ने आपसे क्या बोला अभी, बताओ ना भाभी। आप जाओ यहाँ से, माँ जी ने देख लिया तो फिर मुझे मारेंगी, इसीलिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ। नहीं भाभी, पहले मुझे बताओ आखिर ये सब चल क्या रहा है, मैंने सब सुन लिया है, इसलिए आपको मुझे सब कुछ बताना ही होगा। वो मैं एक आशिका कुछ बोलती इससे पहले ही कमरे में गौरव आ जाता है और आशिका को मानसी से बातें करता देखकर कहता है, छोटी तू यहाँ क्या कर रही है? वो भैया मैं भाभी से बात करने आई थी। बातें बाद में कर लियो, जा पहले माँ बुला रही है, उनको तुझसे कुछ जरूरी काम है। मानसी को ना चाहते हुए भी आशिका को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है और उसके जाते ही गौरव आशिका को बालों से पकड़कर बोलता है, तू मेरी बहन को अपनी सच्चाई बताने जा रही थी कि तू एक खरीदी हुई चीज है और एक सौदे की जिंदगी जी रही है। नहीं नहीं गौरव जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। मानसी कुछ टाइम के लिए आई है, वैसे भी उसकी नौकरी दूसरे शहर में लगने के बाद वो वहीं वापस चली जाएगी, जब तक अपनी ये जुबान बंद रखियो। आशिका की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी, दूसरी तरफ मानसी के कानों में अपनी माँ की बातें ही घूम रही थी और वो अपने कमरे में लेटे लेटे यही सोचती है, आखिर माँ ने भाभी से ये क्यों कहा कि वो एक सौदे की जिंदगी जी रही है, आखिर क्यों? और भाभी के साथ माँ और भाई परिवार जैसा सलूक क्यों नहीं करते, ना उनको किसी पार्टी में ले जाते हैं ना ही किसी से मिलवाते हैं। मानसी को अपनी भाभी की बहुत चिंता होती है और ऐसे ही एक दिन वो घर के स्टोर रूम में अपनी कुछ पुरानी किताबें ढूंढ रही होती है, तभी उसको अपने भाई की शादी की तस्वीरें मिलती है, लेकिन उसमें लड़की उसकी भाभी आशिका नहीं बल्कि कोई और होती है। ये देखकर मानसी हैरान होकर उन फोटोज को अपनी भाभी आशिका को दिखाते हुए कहती है, भाभी ये क्या है, भाई की शादी की तस्वीरों में आप तो हो ही नहीं, तो आप हो कौन बताओ, और अगर आप मेरी भाभी नहीं हो तो कौन हो बताओ, वरना मुझे माँ और भाई से पूछना पड़ेगा। आशिका के पास अब कोई चारा नहीं बचता, वो रोते हुए मानसी को बताती है, मैं आपकी भाभी नहीं, एक खरीदी हुई चीज हूँ जिसका सौदा हुआ है और अपने इस सौदे की जिंदगी को जी रही हूँ। एक साल पहले गौरव की शादी एक मिनल नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन गौरव और कमला के रूखे स्वभाव के कारण मिनल ने अपनी शादी के एक हफ्ते बाद ही अपना ससुराल छोड़ दिया और भाग गई। लेकिन समाज और बिरादरी में गौरव की शादी हो चुकी थी पर अभी तक कोई उसकी बहू से मिला नहीं था, जिसके चलते गौरव की माँ कमला अपने गांव में एक हरिया नाम के गरीब किसान से उसकी बेटी आशिका का सौदा करती है। हरिया किसान अपनी बाकी बच्चों के भविष्य को देखते हुए आशिका को इस सौदे के लिए मना लेता है और आशिका की कीमत हरिया को चुकाकर गौरव और कमला उसे खरीद कर शहर ले आते हैं और अपनी बहू के रूप में सबसे मिलवाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में
वो आशिका को बस खरीदी हुई चीज से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। मैंने अपनी इस सौदे की जिंदगी से समझौता कर लिया है, शायद मेरी जिंदगी में यही लिखा था और अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर यहाँ से तंग होकर अपने परिवार के पास जाती तो उनके ऊपर बोझ बन जाती और इस तस्वीर में जो औरत है वो तुम्हारी असली भाभी मीनल है। मानसी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू झलकते हैं और वो कहती है, इस घर में इतना कुछ हुआ और मुझे कुछ पता ही नहीं। आप अपनी पढ़ाई के चलते शादी में नहीं आ पाई और जब तक आप आई ये लोग इस घर में मुझे ला चुके थे। मानसी आशिका को गले लगाकर रोने लगती है। तभी कमला आकर मानसी को आशिका से दूर करती है और आशिका को एक थप्पड़ लगाकर बोलती है, आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। बोला था ना इस सौदे और तेरे बारे में मानसी को कुछ मत बताइयो। माँ अगर भाभी मुझे नहीं बताती तो मैं आपसे पूछ लेती, लेकिन सच का पता तो मैं लगा कर ही रहती। और आपको शर्म आनी चाहिए, एक लड़की की कीमत कैसे लगा सकती हैं आप, खुद एक औरत होकर। कल को कोई मुझे खरीदने आएगा तो क्या आप मुझे भी बेच देंगी। मानसी ये क्या बकवास है, अपनी जुबान पर लगाम लगा। अरे सौदा किया तो किया, इनको इस्तेमाल भी एक चीज की तरह किया आपने, मारा पीटा और न जाने कितने अत्याचार किए और ये बेचारी सौदे की जिंदगी जीती रही। लेकिन अब नहीं, मैं भाभी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, अब से ये मेरे साथ रहेंगी। और अगर आपने या भाई ने इस मामले में टांग अड़ाई तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी कि आपने एक इंसान की तस्करी की है। मानसी आशिका का सारा सामान पैक करके उसको अपने साथ ले जाती है और कमला व गौरव कुछ नहीं कर पाते। मानसी के कारण आशिका को इस सौदे की जिंदगी से छुटकारा मिलता है और वो मानसी की मदद से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। हर्षिता अपनी फ्रेंड दीपाली के साथ मार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। तभी वो एक मेकअप की शॉप पर जाते हैं और सामान लेने लगते हैं। तभी दुकानदार हर्षिता से बोलता है, मैडम ये देखो न्यू शेड का लिप बाम, ये आपके होठों पर लिपस्टिक का काम भी करेगा, साथ ही आपके होठों को फटने से भी रोकेगा। पर आप हमें ये क्यों दिखा रहे हो, हमें ये सब नहीं चाहिए। अरे मैडम आपको नहीं उन मैडम के लिए दिखा रहा हूँ, ये ले लो ना, कब तक अपने इन फटे होठों से अपने चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ती रहोगी। क्या आपने मुझसे कुछ कहा क्या? अब मैडम फटे होठों वाली तो आप एक ही हो, यहाँ दूसरी तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रही। आप अपने कस्टमरों से ऐसे बात करते हैं क्या? और मेरे लिप्स फटे नहीं है बल्कि सर्दियों की वजह से थोड़े ड्राई हो गए हैं, पर आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे तो तू गुस्सा क्यों कर रही है, नहीं लेना तो मत ले, कोई फोर्स नहीं कर रहा तुझे, चल यहाँ से। अरे मैडम ले लो, अभी डिस्काउंट ऑफर है, एक के साथ एक फ्री, ये आपके होठों को फटने से बचाएगा। अरे मैडम देखो तो सही, अरे अरे सुनो तो सही। दुकानदार बोलता ही रह जाता है पर वो दोनों उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती हैं। और घर आकर हर्षिता अपनी माँ अंजना से बोलती है, माँ मेरी तरफ देखना जरा, क्या मेरे लिप्स फट रहे हैं, बताओ ना। हाँ हाँ सर्दियों में इनका ध्यान नहीं रखेगी तो फटेंगे ही ना, शीशे में जाकर देख क्या हाल बना रखा है। हाँ हाँ वो तो मैंने फेस पर कुछ लगाया नहीं है तो ऐसा ही लगेगा ना, लेकिन मेरे लिप्स थोड़ी ना फट सकते हैं। ये सारा गलत फहमियाँ मत पाल तू अपने दिल में, समझ गई? जाके शीशे में देख खुद को कैसी लग रही है, सर्दियाँ ठीक से आई भी नहीं और तेरे होंठ फटने चालू हो गए। अपनी माँ की बात सुनकर हर्षिता सोच में पड़ जाती है कि अपने फटे होठों को छुपाने के लिए करे तो क्या करे। ऐसे ही समय बीतता जाता है, हर्षिता अपने फटे होठों को छुपाने के लिए डार्क और मैट कलर की लिपस्टिक्स लगाना शुरू कर देती है। और ऐसे ही एक दिन वो पिंक कलर की डार्क सी लिपस्टिक लगाकर कॉलेज जाती है और उसके फेस पर बस उसके पिंक लिप्स ही हाईलाइट हो रहे होते हैं, जिसके कारण लोग उसके फेस को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी हर्षिता अपनी दोस्त दीपाली से बोलती है, सुनना मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या, देखना सब मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ लगा है ना। क्या है, हैंकी से साफ कर देना। नहीं कर सकती क्योंकि इस डार्क लिपस्टिक को साफ करने बैठी ना तो तेरा पूरा फेस पिंक हो जाएगा, और वैसे तुझे इतनी डार्क लिपस्टिक लगाने का क्या शौक हो गया। यार अपने फटे होठों को छुपाने के लिए लगाई है, वरना तू जानती है ना मुझ पर ये सब सूट नहीं करता। अरे तो कोई क्रीम या और कुछ लगा लेती, ऐसे तो तेरे होठ और खराब हो जाएंगे। अरे तू भी ना यार कुछ भी बोलते है, लिपस्टिक लगाने से भी भला लिप्स को कोई नुकसान होता है क्या,
चल घर चलते। वो दीपाली की बातों को भी इग्नोर कर देती है और ऐसे ही सर्दियां बढ़ती जाती है और बढ़ती सर्दियों के साथ हर्षिता के लिप्स की हालत भी और खराब होने लगती है और उसके लिप्स में दरार सी पड़ने लगती है और उसके लिप्स लाल हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी एक बाइट लेते ही हर्षिता बोलती है, माँ माँ पानी दे दो। क्या हो गया? पटक गया निवाला तेरे गले में? अरे कितनी बार कहा है कि चबा चबा कर खाया कर। अरे अटकेगा तो तब ना, जब अंदर जाएगा। खाने में इतनी मिर्ची क्यों है? पूरा मुंह जस जस कर रहा है मेरा। ऐसे फटे मुंह से खीर भी खाएगी ना तो भी तुझे मिर्च ही लगेगी, क्योंकि खाना तेरे फटे होठों पर लगेगा तो दर्द होना तो लाजमी ही है ना। तू ना फालतू मत बोल, माँ ने खाने में मिर्ची ज्यादा डाली है, मेरा सारा मुँह जल रहा है। अच्छा मतलब एक तो लौती ही है जिसे मिर्चें लग रही है। अरे खाना मैंने बनाया है, लाल मिर्च तो दूर की बात है, मैंने इसमें हरी मिर्च भी नहीं डाली, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? कहा ना, तेरे फटे होठों के कारण ऐसा हो रहा है। जब से सर्दियां आई हैं, आलस और ठंड के चलते तूने पानी पीना बंद ही कर दिया है और शरीर में पानी की कमी के कारण ही स्किन प्रॉब्लम होती है, इसीलिए पूरे दिन में कम से कम 7-8 ग्लास तो पानी पिया कर। हाँ हर्षिता सही कह रहा है रोशन, देख कैसे तेरे होठों से खून भी निकलने लगा है। बेटा अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से जो तेरा फेस गंदा दिखेगा ना फटे होठों की वजह से, वो अलग। हाँ माँ दर्द भी हो रहा है, मुझे अपने लिप्स को कैसे भी करके ठीक करना होगा। इतना कहकर वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर फटे होठों को ठीक करने के लिए कुछ वीडियोस देखती है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन वो अपनी फ्रेंड का कॉलेज के बाहर वेट कर रही होती है और कुछ ही देर में दीपाली वहाँ आती है और उसके सॉफ्ट लिप्स को देखकर हैरान होकर बोलती है, यार हर्षिता ये तेरे वही लिप्स है ना जो पहले रूखे और फटे रहते थे और अब कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, क्या लगाया है तूने इन पर? अरे कुछ खास नहीं यार, बस मैंने एक दो होम रेमेडीज करी थी, उससे मेरे फटे होठ भी ठीक हो गए और उनमें होने वाला दर्द भी। हाँ तो मुझसे भी शेयर करना वो होम रेमेडी, बताना। अरे रो क्यों रही है, बता रही हूँ। देख स्किन को हेल्दी रखने के लिए और फटे होठों को ठीक करने के लिए ना हमारी बॉडी में पानी पूरा होना चाहिए और मैंने अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दी। मैंने अच्छे से डाइट फॉलो करी और हाँ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मैं अपने होठों पर देसी घी से मसाज किया करती थी और देख एक हफ्ते के अंदर ही मेरे फटे होठ कैसे गुलाब के फूल जैसे हो गए। क्या बात है, इसमें तो तेरा लोशन क्रीम का खर्चा भी बच गया, मैं भी आजमा कर देखूंगी ये। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और हर्षिता की शादी नवीन नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करती है और उसकी एक छोटी नंद होती है जिसका नाम था नव्या, जो हर्षिता के साथ बहुत प्यार से रहती थी। एक दिन हर्षिता नव्या से बोलती है, नव्या तुम खाली हो तो मेरे साथ मार्केट चलो, सर्दियों के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। अगर मैं बाहर गई तो हवा से मेरी स्किन और भी खराब हो जाएगी, फिर मेरे होठ भी रूखे हो जाएंगे। नहीं भाभी वो मुझे कुछ काम है, आप ही जाओ। इतना आलस क्यों कर रही है, चली जाना अपनी भाभी के साथ, तुझे भी कुछ लेना हो तो साथ में ले आइयो। नहीं ना भैया मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, आप ही चले जाओ ना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही एक दिन नव्या अपने कमरे में शीशे में अपना फेस देखती है और अपने फटे होठ को देखकर बोलती है, कितना दर्द हो रहा है, कितना कुछ किया ताकि मेरे होठ सर्दियों में भी मुलायम रहे पर फिर भी ये रूखे होकर फट गए, क्या करूँ मैं। वो अपने आप से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ हर्षिता आकर बोलती है, क्या बात है, खुद से क्यों बड़बड़ा रही हो, अरे घर में मैं भी हूँ, मुझसे बात कर लो। भाभी आप कब आई, क्या हो गया, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है। वो बोल ही रही होती है कि तभी नव्या की नज़र हर्षिता के गुलाबी होठों पर जाती है और वो अपना हाथ उसके फेस की तरफ ले जाने लगती है, तभी हर्षिता बोलती है, ये क्या कर रही हो। भाभी आपके होठ। हाँ मेरे होठ तो। सर्दियों में आपके होठ नहीं फटते क्या, ये तो कितने मुलायम दिख रहे हैं। ओ मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया मेरे होठों को, वैसे तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। वो बस ऐसे ही कुछ खास नहीं। पता है मुझे कि सर्दियों में होठ फट जाते हैं, तभी तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो।
आपको कैसे पता? पता क्या चलना है, सामने से खुद ही दिख जाता है। देखो कैसे दरारें पड़ गई है तुम्हारे होठों में। एक काम करो, एलोवेरा जेल से मसाज किया करो, अपने होठों को हर टाइम मॉइस्चराइज करके रखा करो, और वैसलीन भी लगा लिया करो जब टाइम मिलता है। और ये जो तुम फालतू के लिप प्रोडक्ट लगाती हो ना, ये सब कुछ बंद कर दो। ये सब करने से मेरे लिप्स भी आपकी तरह हो जाएंगे क्या? अरे पगली, मुझसे भी अच्छे हो जाएंगे। बस अच्छे से खाना खाओ, सर्दियों में भी ज्यादा पानी पियो, बदलते मौसम के साथ अपने स्किन केयर का ध्यान रखो। और हाँ, केयर जरूर करनी है, चाहे बाल हो, चाहे होठ हो, चाहे हमारी पूरी बॉडी ही हो, क्योंकि हम जितने स्वस्थ अंदर से होंगे उतने ही सुंदर हम बाहर से दिखेंगे। ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है। एक दिन अचानक रुचि को ऑफिस से कॉल आता है कि उसको काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा, जिसके बारे में वो संजू को बताते हुए बोलती है। यार ऑफिस से कॉल आया है, मुझे ऑफिस के काम से अर्जेंटली कानपुर जाना पड़ेगा, अब क्या करूं? क्या करूं का क्या मतलब, जा तू, काम पहले है यार। नहीं यार, काम से पहले मेरे लिए तू है, आज तेरा बर्थडे है और मैं तुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। कोई बात नहीं यार, हम बर्थडे तेरे आने के बाद मना लेंगे, लेकिन जो मौका तुझे आज मिला है शायद वो दोबारा ना मिले। और मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरा सारा टाइम एनजीओ में ही निकल जाता है, तू चिंता मत कर, बस तू अच्छे से अपने काम पर ध्यान दे। ओके माय डियर बेस्टी, लेकिन मुझसे प्रॉमिस कर कि अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तू सबसे पहले कॉल करके मुझे बताएगी, खुद से ज्यादा समझदार नहीं बनेगी। ओके बाबा, पक्का प्रॉमिस, तुझे सब बताऊंगी, बस अब तो रेडी हो जा। रुचि अपने काम के लिए कानपुर चली जाती है और संजू अपने एनजीओ के काम में बिजी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और कानपुर में एक दिन अचानक रुचि की मुलाकात एक विशाल नाम के लड़के से होती है, जो कि उसके ऑफिस का मालिक था, जहां वो मीटिंग के लिए आई थी। विशाल रुचि को पहली ही नजर में पसंद आ जाता है। रुचि ऑफिस स्टाफ से उसका नंबर निकालकर उसे कॉल करके बोलती है। हेलो सर, आई एम रुचि। हेलो, बट सॉरी, हु आर यू? सर मैं रुचि बात कर रही हूँ, जो मीटिंग में आई थी आपके ऑफिस में। ओके ओके, जी बताइए, आपने मुझे क्यों कॉल किया है? सर एक्चुअली मुझे मीटिंग से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी थी। कोई इशू नहीं है, आप कल मेरे ऑफिस आ जाइए 9 बजे। ओके डन सर। रुचि रोज किसी ना किसी बहाने से विशाल से मिला करती थी, लेकिन उसने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं बोली, और विशाल को भी रुचि से बात करना अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद रुचि कानपुर से वापस आ जाती है और आते ही अपनी दोस्त संजू से मिलकर बोलती है। यार तुझे पता है मैंने तुझे बहुत मिस किया। और मैंने तुझे यहाँ मिस किया। अच्छा वो छोड़, ये बता तेरी मीटिंग कैसी रही, सब ठीक था ना? यार उस मीटिंग का तो पूछ ही मत। क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है, और तू इतना हंस क्यों रही है, पागल वागल तो नहीं हो गई? अरे नहीं यार, पागल नहीं हूँ, बस मीटिंग बहुत अच्छी थी इसलिए हंस रही हूँ। चल अब तो जल्दी से खाना लगा दे, भूख लगी है। दोनों खाना खाकर अपने रूम में जाकर सो जाती है, और अगले दिन सुबह उठकर नाश्ता करके रुचि अपने ऑफिस और संजू अपने एनजीओ के लिए निकल जाती है। एनजीओ जाते टाइम संजू देखती है कि रास्ते में किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। वो भागकर उस जगह पर जाती है और उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ट्रीटमेंट के बाद जब लड़के को होश आता है तो संजू उससे बोलती है। आपका नाम क्या है, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, मेरा नाम विशाल है। आपका इतना बुरा एक्सीडेंट कैसे हो गया, आपको ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए थी, ऐसे कौन ड्राइविंग करता है? सॉरी आपको बुरा लगे तो, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा केयरलेस इंसान है। बस बस, मुझे अभी अभी होश आया है, और आप तो होश में आते ही शुरू हो गयी। हाँ तो क्यों शुरू ना हो, अगर आपको इस एक्सीडेंट में कुछ हो जाता तो आपने सोचा है कि आपकी फैमिली का क्या होता? हाँ ये तो है, आपने सही कहा, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, और आगे से मैं ध्यान से ड्राइविंग करूँगा। लेकिन अब और डांटने से पहले अपना नाम तो बताइए मैडम। ओ सॉरी, मैंने अभी तक आपको अपना नाम नहीं बताया और आपको इतना कुछ सुना दिया। मेरा नाम संजू है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
मुझे अच्छा लगा आपकी केयर देखकर। एंड नाइस नेम। अच्छा जी, आप तो बातों से ही बहुत मजाकिया लगते हो। चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे एनजीओ जाने में लेट हो रहा है। आपसे कल मिलने आती हूँ, तब तक आप रेस्ट कीजिए। ओके मैडम। ऐसे ही विशाल के ठीक होने के बाद भी संजू और विशाल रोज मिलने लगे और ज्यादा से ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। संजू को विशाल के साथ समय बिताना और रहना अच्छा लगता था, क्योंकि रुचि के बाद एक विशाल ही था जो उसके दिल के इतने करीब था। विशाल एक बहुत ही बड़े और अच्छे घर का लड़का था, इसीलिए उसने उसे कभी कुछ नहीं बोला कि वो उसे पसंद करती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, तभी एक रोज विशाल संजू से मिलने आता है और बोलता है, संजू मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तुमने मेरे दिल की बात बोल दी। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ जो मेरी दोस्त बहन सब है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर संजू विशाल को अपनी दोस्त रुचि से मिलवाने अपने घर ले जाती है, और जैसे ही रुचि की नज़र विशाल पर जाती है, वो सोचने लगती है, यार मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? जिस इंसान को मैं इतना मिस कर रही हूँ वो मेरे सामने खड़ा है। रुचि ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसको अपनी दोस्त संजू की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ खो गई मैडम विशाल जी को देखकर? विशाल जी, तू इन्हें कैसे जानती है? बहुत लंबी स्टोरी है, वो छोड़, तू ये बता कि तुझे विशाल जी कैसे लगे? हम दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, इसलिए तुझसे मिलवाने लाई हूँ। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है मैडम, सच है, मैं और तुम्हारी दोस्त बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। विशाल जी, आप रुचि से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप उसे पहले से जानते हो। जी हाँ मैडम, आपकी फ्रेंड रुचि से मेरी मुलाकात मेरे कानपुर वाले ऑफिस में हुई थी, जहाँ हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, तो अब इन्हें तो हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विशाल की बात सुनकर रुचि चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता, विशाल मेरी पसंद है, इसकी शादी किसी और से नहीं हो सकती। जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी रहेगी। विशाल की शादी होगी तो सिर्फ रुचि से, नहीं तो नहीं होगी। रुचि ये सब सोच ही रही होती है कि तभी संजू उसके कमरे में आकर बोलती है, सॉरी यार, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला। तो गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, जिसमें तेरी खुशी है मैं उसी में खुश हूँ। अगली सुबह विशाल और संजू शादी के लिए मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी रुचि संजू के कमरे में आकर बोलती है, यार मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो विशाल को कॉल करके बोल दे कि मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो हम किसी और दिन शादी कर लेंगे, तू पहले ठीक हो जा। नहीं यार, मेरी वजह से तुम्हारी शादी खराब हो अच्छा लगता है क्या? ठीक है, मैं बोलती हूँ। संजू जैसे ही कॉल करके विशाल को रुचि की हालत के बारे में बता देती है, वैसे ही कॉल कटने के बाद रुचि संजू के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और उसकी जगह मंदिर में घूंघट करके खुद विशाल के साथ शादी कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब संजू को होश आता है तो वो भागकर मंदिर पहुंचती है, और तब तक शादी हो चुकी थी। और संजू को अपने सामने देखकर जब विशाल अपने पास खड़ी लड़की का घूंघट उठाता है तो उसमें रुचि को देखकर बोलता है, मैं इस शादी को नहीं मानता, तुमने अपनी दोस्त को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, अरे पहले दिन से जब तुमसे मिली थी ना, तब से तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ कैसे होने देती? ये पसंद नहीं, जिद है, और ये जो तुमने किया है वो धोखा ही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें पसंद करता हूँ। इस धोखे के बाद मैं भी तेरे साथ नहीं रह सकती, तुझे शर्म आनी चाहिए अपनी बहन जैसी दोस्त के साथ धोखेबाजी करते हुए। इस तरह से विशाल और संजू दोनों ही रुचि को छोड़कर चले जाते हैं, और अपनी जिद और धोखे की वजह से वो अपने दोनों खास रिश्तों को खो देती है। रोज की तरह ही रीमा ब्रेकफास्ट बनाते हुए अपने पति अंकुश को आवाज लगाकर बोलती है, अंकुश उठ जाओ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, फिर मेरे ऊपर ही चिल्लाओगे कि मैंने नहीं उठाया। ये औरत भी ना, इसको 8 बजे उठाने को बोला था, ये 6 बजे ही चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे उठते हो या लाओ पानी की बाल्टी भर के? हाँ मेरी माँ उठ गया, उठूंगा नहीं तो तुम मेरे कान के पर्दे फाड़ दोगी। अंकुश उठकर नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है, इतने में ही उनके घर की डोरबेल बजती है और रीमा दरवाजा खोलती है।
तो सामने उसकी छोटी बहन पीहू खड़ी होती है। पीहू को देखते ही रीमा उसे गले लगाकर बोलती है, पीहू तू यहाँ? वो भी ऐसे अचानक, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अरे मेरी प्यारी बहना, सरप्राइज बताकर थोड़ी ना दिया जाता है, बिना बताए दिए जाता है, तभी तो आई हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल टपक गई, जिसके चलते कॉलेज की एक हफ्ते की छुट्टियाँ है, तो मैं तेरे पास आ गई। सही किया, आ अंदर आ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। अच्छा दीदी ये बताओ, जीजू कहाँ है? उठे नहीं क्या अभी तक? कहाँ उठे, सो रहे होंगे गधे घोड़े बेचकर। तो रुक, मैं जाकर उठाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं जाती हूँ जीजू को उठाने, आखिर उनकी साली आई है, थोड़े अलग ढंग से उठेंगे आज। ठीक है जा, जब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। अंकुश वॉशरूम में नहाते हुए गाना गा रहा होता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तभी अंकुश को कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। पीहू चुपके से कमरे में आ रही थी, लेकिन अंकुश को लगता है कि रीमा है, जिसके बाद वो बोलता है, रीमा यार तुम कमरे में आई हो तो टॉवल दे दो, मैं जल्दी जल्दी में लाना भूल गया। अरे यहाँ तो मैं जीजू को उठाने आई थी, लेकिन वो तो उठ के नहाने भी चले गए। अब क्या करूँ, बोल दूँ क्या मैं रीमा दीदी नहीं हूँ, फिर टॉवल पकड़ा दूँ? अरे हाँ पकड़ा ही देती हूँ, वैसे भी टॉवल ही तो देना है, गेट से हाथ अंदर करके पकड़ा देती हूँ। पीहू बिस्तर पर रखा हुआ टॉवल उठाकर बाथरूम की तरफ आकर दरवाजे पर अपने हाथ से नॉक करके खड़ी रहती है। अंदर से अंकुश थोड़ा सा दरवाजा खोलता है और तौलिए के साथ साथ उसे भी पकड़कर खींच लेता है, जिसके बाद शॉवर के नीचे अंकुश की बाहों में पीहू उसके बेहद करीब आती है और दोनों शॉवर के पानी में भीग रहे थे। एक पल के लिए अंकुश पीहू को बस देखता रह जाता है, तभी पीहू अंकुश को ऐसे अंडरवेयर में देखकर अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखते हुए बोलती है, सॉरी सॉरी जीजू, मैं तो आपको उठाने आई थी, आपने टॉवल मांगा तो मैं देने आ गई, लेकिन यहाँ। वैसे हुआ तो ये बहुत अच्छा। अरे अपने मुँह से बोल तो देती कि तुम रीमा नहीं हो, देखो पूरी गीली हो गई तुम, लाओ ये तौलिया मैं तुम्हें उड़ा देता हूँ। अंकुश अपने हाथों से टॉवल पीहू को उड़ाते हुए ऐसे देखता है मानो उसको प्यार हो गया हो, तभी वो खुद को संभालते हुए बोलता है, तुम यहीं अंदर रहो, मैं रीमा की कोई साड़ी देता हूँ तुमको, वो पहन लेना। अंकुश बाथरूम से बाहर आकर अलमारी से रीमा की एक सुंदर सी साड़ी पीहू को देते हुए बोलता है, तुम अंदर चेंज कर लो, मैं बाहर कर लेता हूँ। ठीक है जीजू, जीजू को देखकर लग रहा है कि मेरे ऊपर फ्लैट हो गए हैं, चलो बड़े मजे लेना तो बनता है। पीहू के मन में भी एक अजीब सी हलचल हुई थी जब वो अंकुश के इतना करीब थी, लेकिन उसने भी खुद को संभालते हुए अपने जज्बातों को काबू किया और अंकुश की भावनाओं से थोड़ा खेलने की सोचा। कुछ देर में दोनों ही कपड़े बदलते हैं, लेकिन पीहू जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है तो साड़ी में पैर अटकने की वजह से वो गिरने वाली होती है। इतने में ही अंकुश उसे अपनी बाहों में संभालते हुए बोलता है, अरे साली साहिबा, आज आपने खुद पर ड्यूटी लगानी है क्या मेरी? नहीं नहीं जीजू, वो क्या है ना कि साड़ी में चलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। भगवान भी ऐसे सीन क्रिएट कर रहे हैं कि जीजू को मुझसे सच में प्यार हो जाएगा। ओह ओके ओके। दोनों अब बाहर आते हैं, जहाँ रीमा पीहू को अपनी साड़ी में देखकर बोलती है, अरे तेरे कपड़े कैसे बदल गए? वो दीदी आपके बाथरूम में फिसल के गिर गई थी, तो जीजू ने मुझे आपकी साड़ी दे दी। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे पागल, मुझे क्यों दिक्कत होगी, जो मेरा है वो तेरा भी तो है, आखिर तू बहन है मेरी। ओहो मेरे लिए झूठ बोला जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब हो गई हो तुम दोनों बहनों की बातें, तो मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। रीमा अंकुश और पीहू को खाने के लिए ब्रेकफास्ट देती है, जिसके बाद अंकुश ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरा दिन ऑफिस में बैठे हुए भी उसको पीहू का ही ख्याल आता है। शाम होने पर जब वो ऑफिस से निकलता है तो उसको हर लड़की में ही पीहू नजर आती है। ये देखकर वो खुद से बोलता है, यार ये मुझे हर जगह पीहू क्यों दिख रही है, मैं इश्क में तो नहीं हूँ, पर ये कैसे हो सकता है, वो मेरी साली है, ये तो गलत है। लेकिन प्यार तो सही गलत नहीं देखता, प्यार तो कभी भी किसी को भी हो जाता है। अंकुश जल्दी से घर आता है, जहाँ पीहू उसके आते ही उसे पानी का ग्लास देती है। ये देखकर अंकुश बोलता है,
साली साहिबा इतनी सेवा मत करो, हमें इश्क हो जाएगा अब से। आपका इश्क मेरे लिए रिस्क बन जाएगा जीजा जी, इसलिए अपने दिल पर थोड़ा काबू रखिए और पानी। हाय, खुद पर काबू कर भी ले, कमबख्त ये इश्क चीज ही ऐसी है, अच्छे खासे इंसान को बेकाबू कर देती है। कुछ कह रहे हैं क्या आप मन ही मन? मेरी इतनी मजाल जो अपनी साली साहिबा को कुछ कह दूं? तभी रीमा चाय लेकर आती है और अंकुश की बात का जवाब देते हुए बोलती है। अच्छा जी, साली से तो बड़े प्यार से बातें की जा रही है, कभी बीवी से भी की है? अब इंसान की फितरत है, जो चीज उसके पास नहीं होती वो उसी के पीछे भागता है। तुमसे तो जिंदगी भर बातें करनी ही है, थोड़ी साली साहिबा से भी करने दो। हाँ हाँ, करो करो। रीमा के चाय लाने के बाद सब मिलकर चाय पीते हैं और कुछ देर में डिनर के लिए पास के ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ अंकुश पीहू के साथ आगे चल रहा था और रीमा पीछे पीछे, जिस वजह से गेट पर खड़ा हुआ वेटर उसको उसकी पत्नी समझकर बोलता है। हेलो मैम एंड सर, आप दोनों के लिए हमारे पास कपल स्पेशल टेबल है, आप दोनों वहाँ बैठना चाहेंगे? सॉरी, हम कपल नहीं हैं, हम तीन लोग हैं, मैं, मेरी दीदी और मेरे जीजा जी, तो आप तीन लोगों के लिए टेबल दिखाओ। झूठी खुशी भी मत लेने दो साली साहिबा, अरे थोड़ी देर के लिए ही सही, कपल तो बने थे। ये जीजू का इश्क तो दिन पर दिन मेरे लिए रिस्क बनता जा रहा है, अगर दीदी को पता चल गया कि इनके मन में क्या चल रहा है तो मुझसे तो रिश्ता तोड़ेंगी ही, और इनकी हड्डियाँ तोड़ेंगी वो अलग। वेटर तीनों को टेबल तक छोड़ कर आता है, जिसके बाद तीनों खाना खाते हैं। इसी बीच अंकुश टेबल के नीचे से कभी पीहू को पैर मारता, कभी आंखों से इशारा करता, ये देखकर पीहू वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से उठ जाती है। तभी अंकुश भी उठकर वॉशरूम के बहाने उसके पीछे जाता है और फिर उसे रास्ते में रोकते हुए बोलता है। पीहू ऐसे इग्नोर मत करो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, सुन तो लो। बोलिए। पीहू मैं इश्क में हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। जीजू ये आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है, उस दिन बाथरूम में मैं गलती से आ गई थी और शायद उस दिन से ही आपको मुझसे इश्क हो गया है, लेकिन भूलिए मत कि ये इश्क बड़ा ही रिस्की है, इसीलिए मैं अपनी दीदी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। पर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हारा मेरे करीब आना और हंसी मजाक करना, कहीं ना कहीं तुमको भी मुझसे प्यार है, इसीलिए घबराओ मत, बोल दो। आपको मेरा जवाब जानना है, ठीक है कल सुबह तक का इंतजार करो। अंकुश पीहू के जवाब के लिए सुबह तक का वेट करने को तैयार होता है, जिसके बाद तीनों खाना खत्म करके घर आते हैं। आधी रात के लगभग 11 बजे जब अंकुश सो जाता है, तब पीहू उठकर अपना सामान पैक करते हुए बोलती है। ये जीजू का इश्क इससे पहले मेरे लिए और रिस्क पैदा करे, मैं यहाँ से खिसक लेती हूँ, और वैसे भी अब तो मैं इंडिया से बाहर चली जाऊंगी, और मैंने तो बस मजाक मजाक में ही उनसे पंगे ले लिए थे, लेकिन वो तो सच में ही इश्क कर बैठे, अब चुपचाप दीदी को बताकर यहाँ से खिसक लेती हूँ। पीहू चुपके से अपनी बहन को जगाती है और एक जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे रात उसके घर से निकल जाती है। अगली सुबह अंकुश तैयार होकर पीहू के कमरे में जाकर बोलता है। मैं आ गया पीहू जवाब सुनने। इतना बोलकर वो देखता है कि कमरे में तो कोई नहीं है, पूरे घर में पीहू को ढूंढकर वो आखिर में रीमा से पूछता है कि आखिर पीहू है कहाँ, जिस पर रीमा उसे बताती है। वो तो घर गई, उसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया था, अब वो बाहर पढ़ाई करने जाएगी, इसलिए निकल गई थी रात को ही। क्यों, कोई काम था आपको उससे? नहीं नहीं, वैसे वापस कब आएगी? शायद कभी नहीं, बाकी वो ही बताएगी, अगर बात हुई तो पूछ लूंगी मैं उससे। सही है साली साहिबा, सही सबक सिखा गई, अब इस दिल को अपनी बीवी के अलावा कहीं नहीं लगाऊंगा, ताकि ये टूटे ना। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।